हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत से वैक्यूम क्लीनर्स लिए हैं। कुछ ट्राई किए हैं तो कुछ बाय किए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरी रोबोट वैक्यूम क्लीनर पर रही है। ये बेड के नीचे की सारी डस्ट खींच लेता है जहां पहुंचना मुश्किल होता है, प्लस इसको शेड्यूल करके टाइमली सफाई भी हो जाती है। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बिकने वाले रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले आ जाता है D-Bot Osmo U2 Pro। अगर फर्स्ट टाइम रोबोट लेने की सोच रहे हैं तो ये बढ़िया ऑप्शन रहेगा। एक तो इसमें सभी कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग मॉपिंग, और दूसरा प्राइस भी इसका सबसे कम है। सस्ता होने के बावजूद इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। प्लस सक्शन पावर भी इसकी वन ऑफ द बेस्ट है। फ्लोर हो या कारपेट, इसको हर सरफेस पे यूज कर पाएंगे। बाकी बैटरी बैकअप भी इसमें ठीक ठाक मिल जाएगा। समझ लो सिंगल चार्ज पे इजिली 2 BHK जितना एरिया क्लीन हो जाता है। इस वैक्यूम क्लीनर को वॉइस कमांड देके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इसको मोबाइल ऐप की मदद से शेड्यूल भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, मोबाइल से रोबोट को कनेक्ट करने के लिए घर में वाईफाई सेटअप भी होना चाहिए। एक बार शेड्यूल करने से ये अपना काम करता रहेगा, चाहे फिर आप घर पे हो या ना हो। अब कौन सा एरिया क्लीन करवाना है कौन सा नहीं, ये इसके सेंसर्स अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन इसके सेंसर्स रास्ते में ब्लॉकेज को नहीं समझ पाते, इसीलिए ये हर जगह टकराता रहता है। हालांकि कोई डैमेज नहीं होता क्योंकि फ्रंट में शॉक एब्जॉर्बर लगा मिलता है। मजे की बात यह है कि इस मशीन को क्लीनिंग के मामले में बीट करना मुश्किल है, थैंक्स टू 2100 PA सक्शन पावर। इसके अलावा लार्ज डस्टबिन दे रहे हैं, यानी डेली बिन को खाली करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 800 ml का डस्टबिन साइज किसी और रोबोट में नहीं मिलेगा गाइस। तो ओवरऑल अगर ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते तो इस वैक्यूम क्लीनर को कंसीडर कर सकते हैं। ये हमेशा डील प्राइस में मिल जाता है, एंड डोंट वरी, इंडिया में इस ब्रांड की प्रेजेंस अच्छी है और सारे पार्ट्स भी ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। अब इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा MI रोबोट। ये भी 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है, बट इसमें इंटेलिजेंट मैपिंग जैसे फीचर्स दिए हुए हैं, थैंक्स टू 12 डिफरेंट सेंसर्स, जिसकी मदद से ये घर के हर कोने में चला जाता है, और वो भी बिना टक्कर खाए। ये ऑब्स्टिकल्स के साइड से निकल जाएगा और सीढ़ियों से गिरेगा नहीं। फर्स्ट टाइम रन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोर की मैपिंग कर लेगा। अप टू 10 मैप्स इसमें स्टोर कर सकते हैं और ये सब मोबाइल ऐप से हैंडल हो जाएगा। बाकी वही सेम सक्शन पावर, सेम बैटरी लाइफ अगर कंपेयर करें D-Bot वैक्यूम क्लीनर से, बस MI रोबोट में स्मार्ट नेविगेशन फीचर एक्स्ट्रा मिलेगा। वैसे Xiaomi का दूसरा ब्रांड Viomi का वैक्यूम क्लीनर भी काफी पॉपुलर है। एक्चुअली MI से सस्ता मिल जाता है, तो जिनको थोड़े पैसे और बचाने हैं वो Viomi SE मॉडल पे स्पेंड कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, इसमें डस्टबिन का साइज छोटा मिलता है, बाकी सब सेम है इंक्लूडिंग स्मार्ट नेविगेशन। एक और चीज जो गौर करने वाली है कि MI के सर्विस स्टेशन हर छोटे बड़े शहर में मिल जाएंगे, वही Viomi का आफ्टर सेल सपोर्ट फोन पे या फिर व्हाट्सएप पे मिलेगा। चलो ये तो बात हो गई टॉप के चाइनीज ब्रांड्स की। दोनों Xiaomi के वैक्यूम क्लीनर्स और D-Bot U2 Pro बढ़िया रहेंगे। इन ब्रांड्स में आपको बजट प्राइस में एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग चाइनीज प्रोडक्ट पे स्पेंड नहीं करना चाहते उनके लिए मेरे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। एक तो है EUFI RoboVac G30। ये US का फेमस ब्रांड है और इनके प्रोडक्ट्स काफी रिलायबल रहते हैं। 2-in-1 मॉडल है तो ऑफ कोर्स इसमें भी मॉपिंग मिल जाएगा। पर एक बात बता दूं कि किसी भी रोबोट वैक्यूम क्लीनर में मॉपिंग को डस्टिंग के बाद ही यूज करना चाहिए। एक साथ वैक्यूम और मॉपिंग दोनों पे सेट मत करना, नहीं तो ठीक से क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। गीला झाड़ू जैसे सफाई करता है ना, समझ लो वैसा सा ही हाल हो जाएगा। बाकी इसका सक्शन पावर चाइनीज ब्रांड से कम है, लेकिन काम बन जाता है। इनफैक्ट नॉन चाइनीज ब्रांड्स में ये वाला रोबोट बेटर निकल के आता है, क्योंकि एक तो ये स्लो मूव होता है जिससे कहीं पर टक्कर नहीं खाता, और दूसरा एंकर के आफ्टर सेल सर्विस भी मुझे बेटर लगी। इसके अलावा इसमें स्मार्ट नेविगेशन दे रहे हैं, यानी एक एरिया में बार बार नहीं जाएगा और ओवरऑल फ्लोर की मैपिंग कर लेगा। इसको वॉइस कमांड्स दे के कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट्स का सपोर्ट दिया हुआ है, यहां तक कि डस्टबिन भी फुल हो जाएगा तो ये मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेज देगा। तो ले दे के सभी कॉमन फीचर्स इसमें भी मिल जाते हैं। जिन लोगों को ज्यादा शोर पसंद नहीं है उनके लिए भी ये वैक्यूम क्लीनर बेस्ट रहेगा, क्योंकि 2000 mAh सक्शन पावर होने के बावजूद इसमें नॉइज लेवल सबसे कम है। तो ओवरऑल अनदर गुड वैक्यूम क्लीनर जिसे आपको कंसीडर करना चाहिए। समझ में आता है तो इसके बेस्ट बैंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना।
लेकिन अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आई रोबोट रूम्बा को आंख बंद करके बाय कर सकते हैं। इस ब्रांड को यूएस यूरोप में पहले ही काफी तारीफ मिल चुकी है। बस ध्यान रहे इसमें मॉपिंग नहीं है, एक्चुअली ये इनका एंट्री लेवल वैक्यूम क्लीनर है। मॉपिंग वाले 2-in-1 मॉडल्स भी ऑनलाइन मिल जाएंगे पर थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। पर इस मॉडल में मॉपिंग के ना होने से बॉटम एरिया क्लीन रहता है और दूसरा कारपेट के ऊपर से ये इजिली निकल जाता है। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इस मॉडल का प्राइस फिलहाल ड्रेस्टिकली ड्रॉप हुआ है। बाकी इसमें MI की तरह स्मार्ट मैपिंग नहीं होती बल्कि इसके सेंसर्स खुद एरिया और डर्ट का आइडिया लगा लेते हैं। इसके लिए ये अडेप्टिव नेविगेशन का यूज करता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये रेंडमली हर डायरेक्शन में घूमता रहेगा जब तक पूरा एरिया कवर ना हो जाए। अडेप्टिव नेविगेशन की वजह से इसको यूज करना भी इजी रहता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती, बस सिंपली मोबाइल ऐप में डिजायर्ड मोड को सिलेक्ट कर लो और ये अपना काम शुरू कर देगा। तो ओवरऑल ये भी अच्छे से काम कर देता है। जो लोग न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं उनको ये जरूर कंसीडर करना चाहिए क्योंकि ये ग्लोबली फेमस ब्रांड है। प्लस लॉन्ग रन में यूज करने के लिए एसेसरीज भी ऑनलाइन इजीली मिल जाती है। वहीं इसमें 2 साल की वारंटी भी मिल रही है, बाकी ब्रांड्स में ओनली 1 ईयर, बट इसमें 2 साल है तो वारंटी एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फाइनली कंक्लूड करते हैं। टोटल 4 ब्रांड्स बताए हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। अब थोड़ा और सिंपल कर देता हूं। देखो सस्ते में D-Bot Osmo U2 Pro बढ़िया ऑप्शन रहेगा और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो iRobot Roomba का कोई भी मॉडल देख लेना, बाद में रिग्रेट नहीं होगा। नाउ घर की क्लीनिंग के अलावा एक और चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, घर की सिक्योरिटी। तो अगर बेस्ट होम सिक्योरिटी कैमरास देखने हैं तो ये वाला वीडियो चेक कर लो। मेरा नाम है पंकज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।